हसन बेग साहब, आपसे गुफ्तगु का आगाज करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितना अहम है ये जो शंघाई तावन तंजीम का जो ये 26वां इजलास जिसकी मेजबानी हम करने वाले हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए? थैंक यू वेरी मच सायमा। बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इतना बड़ा बड़ी कॉन्फ्रेंस और समिट और इतना बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तान में 27 साल बाद हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि इसमें देखें चाइना है, रशिया है, इंडिया है और उसके अलावा बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ हैं। 10 कंट्रीज़ का ये ब्लॉक है और ये शुरू हुआ था आपको पता है शंघाई 5 से। अब इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाया गया और उसके बाद जो है ये इसमें दो ऑब्जर्वर्स भी हैं और एक स्पेशल इनविटेशन है। दो ऑब्जर्वर में से एक ऑब्जर्वर जो है अफगानिस्तान उसको सस्पेंड किया हुआ है 2021 से और उसके बाद ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बुनियादी इसका मकसद क्या है? ये बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ इसके एजेंडे में जो दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज्म है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो हैं वो भी डिस्कस होते हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस दफ़ा पाकिस्तान में ये दो दिन का जो इवेंट हो रहा है इस पे पाकिस्तान डेफिनेटली बायलेटरल भी साइड लाइन्स पे मीटिंग्स होनी है प्राइम मिनिस्टर साहब की। आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है ईरान से, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर चाइना आ चुका है, रशिया से आ रहा है, उसके सेंट्रल एशियन स्टेट से आ रहे हैं, मंगोलिया से आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंडिया के। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इस पर जहाँ पाकिस्तान अपने बहुत सारे मुआशी अहदाफ हासिल करने में बहुत दफ़ा हम बड़े नाकाम रहते हैं, मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा IMF का प्रोग्राम आया है इसी तरीके से हमारी ट्रेड प्रमोशन जो है और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उसको प्रमोट करने जा रहे हैं और इसका एजेंडा भी यही है कि सोशल इकोनॉमिक और इन इन चीज़ों की कोऑपरेशन जो है उसी पर बात होनी है। और एक बात जो है ना एक्सट्रीमिज्म या इस दहशतगर्दी के अलावा एक बात जो होनी है वो करेंसी स्वाप एग्रीमेंट्स जो हैं उस पे ऑलरेडी ब्रिक्स की तरह यहां पे भी डिस्कस होना है कि अल्टीमेटली ये सारा ब्लॉक जो है अगर डॉलर की बजाय अपनी रेलिवेंट करेंसीज में ट्रेड करे, जैसे हमने ऑलरेडी आपको पता है कि रशिया के साथ बार्टर ट्रेड शुरू किया करने जा रहे हैं, उसके अलावा ईरान के साथ ऑलरेडी हम करते हैं और इस तरह हमारी बार्टर ट्रेड भी चलती है, तो ये करेंसी स्वाप एग्रीमेंट जब इस ब्लॉक ने डिसाइड कर लिया तो आपको पता है कि डॉलर जो है वो दुनिया में माइटी डॉलर है क्योंकि उसी की वजह से ये सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसी के थ्रू काम करते हैं और अमेरिका की जो वो डोमिनेंस है उसमें डॉलर का बहुत बड़ा हाथ है।